मकसद से हम लोग आए हैं कि इस बार जो पंचायत का चुनाव है हम लोगों के पास जा रहे हैं और आपसे आपका आप जिसको उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं आपका सजेशन मांग रहे हैं कि आप बताओ आपकी पंचायत में आप किसको खड़ा करवाना चाहते हो। जनता जनार्दन जिसको सर्टिफिकेट देगा पार्टी उसी को आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके पूरी ताकत संसाधन और शक्ति के साथ लड़ाई लड़के उसी को जिताएगी और आने वाला 5 साल आपके हित में काम करे, आपके तरक्की के लिए काम करे, ये हम लोग सुनिश्चित करने वाले हैं। ये आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया है। हम लोग तो सत्ते में है, सत्ते में लोग जो लोग रहता है वो लोग कभी यात्रा नहीं करते हैं। हम लोग कुछ भी आज से स्टार्ट किया है, करीबन 2500 किलोमीटर अब तक हम लोग चल चुके हैं, कभी गाड़ी से गया है कभी पैदल गए हैं। 2500 किलोमीटर का रास्ता हम लोग अभी तक तय किया है, हम लोग पार किया है और हर जगह लोग आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी आके बोल रहे हैं कि दादा हमारे यहाँ पे पुल है, लाइट नहीं है, आप समाधान कर दो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? मैंने उसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं आरएसएस करता हूं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मेरा यहाँ पे अभी 2 दिन पहले का बात है, मैं पूर्व बर्धवान में था 2 दिन पहले का। तो मैंने उसे पूछा बताओ क्या दिक्कत है? तो उसने कहा दादा हमारे यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज के सामने एक लाइट है, लाइट में बहुत दिन से रोशनी नहीं आ रहा है, इसमें लाइट की जरूरत है, आप अगर थोड़ा लाइट का बंदोबस्त कर देंगे तो इलाका में जो लोग रहता है गांव में उसका बहुत भला हो जाएगा। तो मैंने कहा आपने पंचायत को बोला? उन्होंने कहा नहीं पंचायत को तो नहीं बोला पर वीडियो को एक एप्लीकेशन बहुत दिन पहले दिया था, अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं आरएसएस करता हूं और आरएसएस का यूनिफॉर्म में लड़का खड़ा हुआ था, टोपी वगैरह सब कुछ पहन के। मुझे इच्छा अच्छा लगा, मुझे अच्छा इसलिए लगा, इसलिए नहीं कि भाई वो आरएसएस का नेता है और मेरे पास आके बोल रहे हैं कि समस्या का हल करो। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उसका नेता जो दिल्ली में बैठा हुआ है उन पे उनका भरोसा नहीं है, भरोसा उसका है तो है ममता बनर्जी के ऊपर कि मेरा समस्या का हल अगर करेगा तो यही सरकार करेगी। हमारे चैनल सब्सक्राइब करो।